मधुमेह यानी डायबिटीज के योग द्वारा रोकथाम कैसे करें? कैसे करें अपने शरीर को मधुमेह मुक्त? जानिए प्रसिद्ध योग गुरु सुनील जी से। डीवीडी उपलब्ध आयुर्योगयात्रा.com पर। फिल्म इंडस्ट्री में नहीं 55 years, अब आप मैं मतलब ये भी आई होप दैट इट विल बी 55 years, लेकिन मेरे अभी फिल्म इंडस्ट्री में 42 years हुए, 43 years, 40 साल, 42 हाँ। मैंने थिएटर से शुरू किया था और थिएटर में मैंने एलेक पदमसी और पर्ल पदमसी मैं सब के साथ आई स्टार्टेड माई करियर इन थिएटर। वहाँ से मैं फिल्मों में आया। शान बेनेगल साहब ने मुझे मेरी पहली फिल्म अंकुर जो थी वो मैंने शान बाबू के साथ की। फिर उसके बाद थोड़ा सा 6-7 साल का गैप था जहाँ मैं एडवर्टाइजिंग में काम कर रहा था, थोड़ी सी मॉडलिंग कर रहा था, वॉइस ओवर्स कर रहा था, अपने कमर्शल्स के लिए जिंगल्स गाया करता था और थोड़ी सी कमाई हो जाती थी वहाँ से, और काम भी कर रहा था मैं एडवर्टाइजिंग में। तो वहाँ से उसके बाद मुझे शान मिली रमेश सिप्पी साहब की, तो वहाँ से जो मेन स्ट्रीम फिल्म थी, तो वहाँ से मैं बहुत ही मतलब भाग्यशाली हूँ, मुझे बहुत अच्छे डायरेक्टर मिले, जैसे रमेश सिप्पी साहब हैं, बी आर चोपड़ा साहब, रवि चोपड़ा, यश चोपड़ा साहब, सुभाष घाई जी, अब्बास मुस्तान भाई, मंसूर खान, राकेश रोशन और बहुत से मतलब जिन क्षमा कीजिए जिनका नाम भूल रहा हूँ, मैं भूल नहीं रहा हूँ इस पॉइंट पे। मैं फिल्मों मुकुल आनंद वो जिनके मैं सोच रहा हूँ उनके बारे में तो नाम मतलब आ रहे। और तो वहीं से मेरा करियर मतलब मेरी शुरुआत हुई फिल्म इंडस्ट्री में, और भगवान की दया से मैं आज तक भी काम कर रहा हूँ। सर, फिल्मों की बात करें तो काफ़ी एक्टर्स की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते ही रहते हैं, जो उनकी जो करियर जर्नी होती है, आपके लाइफ में कभी अप्स एंड डाउन्स ऐसे? बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, मतलब बहुत हुए हैं, और बट लेकिन मतलब वो संतुलन ये है कि मेरी लाइफ में ज़्यादा डाउन से ज़्यादा अप हुए हैं, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। अगर अप से ज़्यादा डाउन होते तो काम नहीं होता, लेकिन ये लक की बात है और मैं तो उन्हीं को मतलब उन्हीं का शुक्रगुजार हूँ, जो डायरेक्टर्स जिनके साथ मैंने शुरुआत की, जिन्होंने मुझे काम सिखाया, जिनके गाइडेंस और सपोर्ट और उनके मतलब जो मैंने सीखा उनके साथ, आज वही काम में आ रहा है मेरे लिए, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और डाउन्स तो होते हैं हर करियर में, कोई भी काम हो दुनिया में, चाहे आप एक्टर हो या डायरेक्टर हो या आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, आपकी दुनिया में मीडिया में जर्नलिज्म में, वो तो मतलब हर इंसान के भविष्य हर इंसान की ज़िंदगी में और उनके काम में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। बात यह है कि जब आप डाउन हैं तो आप वापस कैसे आते हैं, किस कैसे मेहनत करके वापस आते हैं। और मैं अपने आप को मैं लकी हूँ कि मैं वो काम कर रहा हूँ जो मैं बचपन से करना चाहता था, जो मेरी हॉबी थी वो आज मेरा प्रोफेशन है, और उसके ज़रिए मैं जी रहा हूँ, मेरी कमाई है उसमें, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो जब भी मैं डाउन हूँ, मैं डाउन कई बार हुआ हूँ, साल भर के बहुत टाइम में डाउन हुआ, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा है कि मैं कोई और काम करूं, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो मेरी हॉबी थी वो आज मेरा करियर है। तो चाहे मैं डाउन हूँ या कुछ भी हूँ, लेकिन मैंने कभी अपने आप से ये नहीं कहा है कि यार मैं क्यों आया इस प्रोफेशन में, मुझे कुछ और करना चाहिए, वो नौबत कभी नहीं आई है, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा है। और मैं वैसे भी काफ़ी पॉजिटिव किस्म का आदमी हूँ, अगर डाउन हूँ तो मुझे मालूम है, जैसे अप मतलब आप पूरे ज़िंदगी भर अप नहीं रह सकते, आप डाउन भी नहीं रह सकते, तो कहीं ना कहीं तो वो ओके। और
like you said, you have been part of this industry like so long. क्या फिल्म मेकिंग में चेंजेस अब के जनरेशन में यू सी फिल्म मेकिंग में एक्टिंग में टुडेज जनरेशन एक्टर्स व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस यू सी देयर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस देयर आर गुड चेंजेस बिकॉज बेसिकली द चेंज दैट आई थिंक इज ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस टू मी इज दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स बीइंग मेड टुडे कंपेयर टू जो पहले सब्जेक्ट्स होते थे वो एक किस्म के देखो बात यह है कि आज के जमाने में क्योंकि स्क्रीन्स इतने बढ़ गए हैं पहले 300-400 प्रिंट्स अगर प्रिंट होते थे अगर बहुत बड़ी पिक्चर होती थी और बड़े स्टार होते थे उसमें तो 300-350 प्रिंट्स बनाए जाते थे मतलब उतने ही थिएटर्स थे उससे थोड़ा ज़्यादा मिलते 450 सिंगल स्क्रीन के थिएटर थे आज 12,000 हैं और बढ़ रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि हर स्क्रीन पे हर तो मतलब कंटेंट भी उतना ही चाहिए ताकि सारे स्क्रीन्स भर जाएं तो उसका जो वो मतलब टेक्नोलॉजी की जो जिसकी टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो परिवर्तन आया वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब वो स्क्रीन्स को भरने के लिए हर किस्म की फिल्में चाहिए तो आज 20 साल पहले ये फिल्म जो अभी हमने की है उम्मीद वो कभी नहीं वो सब्जेक्ट नहीं बन पाए छोटी फिल्में हैं जैसे लिपस्टिक अंडे और बुरका लंच बॉक्स जैसी फिल्म है वो फिल्में कभी बनती ही नहीं क्योंकि उनको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मौका ही नहीं मिलता एक स्क्रीन सिंगल स्क्रीन पर और दूसरी बात आई है कि मतलब 3 दिन में सारा फैसला हो जाता है फिल्म का जो अगर फिल्म चली है नहीं चली है हमारे टाइम में जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया था ये भी हमारा टाइम है लेकिन जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया था तो पिक्चर को 25 हफ्ते सिंगल स्क्रीन पे कहीं भी चलती तो सिल्वर जूबली का फंक्शन होता था और सबको एक अवार्ड मिलता था कि आपकी पिक्चर सिल्वर जूबली और गोल्डन जूबली भी 50 हफ्ते कहीं कौन सी भी सिनेमा में 50 हफ्ते का वो तो गोल्डन जूबली कही जाती थी आज क्योंकि इतने स्क्रीन्स हैं तो 3 दिन में पिक्चर का मालूम पड़ जाता है कि पिक्चर हिट है या फ्लॉप है तो आप लोगों के टाइम में तो सिंगल स्क्रीन्स आप लोगों ने तो यही मतलब यही ज़माना देखा है जहाँ मल्टीप्लेक्सेस हैं ये हैं तो अच्छी बात है क्योंकि जब सब्जेक्ट्स अलग अलग किस्म के सब्जेक्ट्स बनते हैं तो अलग किस्म के कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं तो अलग किस्म की एक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है और मौका भी मिलता है बहुत लोगों को काम करने के लिए और जो हम क्लीशे बोलते हैं कि एक्टर को उस ज़माने में जब फिल्में सिंगल स्क्रीन पे आती थी तो एक्टर को कहते थे कि हट्टा कट्टा होना चाहिए हीरो टॉल गोरा और हीरोइन भी मतलब एक किस्म का जो लुक था वो बहुत ज़रूरी था एक्टर के लिए आज उसकी ज़रूरत नहीं अगर आप एक्टर हैं तो बहुत किस्म के रोल हैं जहां आपको मतलब वो किस्म का हीरो लगने की कोई ज़रूरत नहीं है आप नॉर्मल जैसे लोग होते हैं मतलब तो आए तो वो मतलब वो आइडेंटिटी वो आइडेंटिफिकेशन बदल गई है क्योंकि कहानियां ऐसी हैं जहां नॉर्मल किस्म के जैसे मतलब नॉर्मल लोगों को भी लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं और अभी क्या है कि कॉन्टेंट ड्रिवन है मतलब अगर आपने आपका जो सब्सटेंस है फिल्म में अगर वो अच्छा है और आपने अच्छे तरीके से अगर फिल्म बनाई है तो उसके लिए ऑडियंस है उसके लिए स्क्रीन्स भी हैं और टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी परिवर्तन आया है क्योंकि टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी है टेक्नोलॉजी ही मेन चीज़ जो है जो चेंज लाता है जो चेंज लाती वो टेक्नोलॉजी है क्योंकि अभी मल्टीप्लेक्सेस को भी छोड़ के आप अपने स्मार्टफोन पे पिक्चर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स हैं अमेज़ॉन लोग आ रहे हैं आप सीरीज़ देख सकते हैं तो आज अभी कभी सोचा भी नहीं था उस सिल्वर स्क्रीन में हमें थिएटर में जाके फिल्म की टिकट लेके फिल्म देखते थे आज आपका थिएटर आपके हाथ में है तो टेक्नोलॉजी से जितना चेंज आता है ना वही सबसे महत्वपूर्ण है अब जब लोगों को मालूम है कि अभी आप स्मार्टफोन पे
मतलब आपका स्क्रीन बन गया है तो किस्म किस्म की फिल्में बन रही हैं, आप चलते चलते फिर देखो मार्केट बदल गया है। अभी आपको, आप जर्नलिस्ट हैं, आप लोग हैं, आपको कितना काम होता है दिन में, कहाँ फुर्सत मिलती है आपको शाम को जाके टीवी देखने की? ये जहाँ आप किसी गाड़ी में कहीं जा रही हैं तो अपने सेलफोन पे ही आप मतलब प्रोग्राम देख सकती हैं या कैचअप कर सकती हैं या जो रिकॉर्डेड प्रोग्राम है जो भी है, अगर आपको एपिसोड देखना है और पूरी मदद है बॉम्बे में ट्रैफिक की, सब फंसते हैं ट्रैफिक में, तो ट्रैफिक में ही मतलब आप एपिसोड देख सकते हैं। तो मतलब ये मतलब टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है कि उसके साथ हम सबकी ज़िंदगी भी बदल गई है और उसके साथ फिल्में भी बदल गए हैं। जिस तरीके से फिल्म को मतलब रिलीज़ करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण वो है क्योंकि जब तक फिल्म को डिस्ट्रीब्यूशन और रिलीज़ नहीं मिलता है तो लोग देखेंगे भी नहीं। तो लेकिन अभी वो इतना खुल गया है, टेलीविज़न है, सिंगल स्क्रीन है, मल्टीप्लेक्स है, लैपटॉप भी है और हैंडसेट भी है, तो जाहिर है कि बहुत और भी सब्जेक्ट्स बनेंगे, अच्छे किस्म के सब्जेक्ट्स बनेंगे। सर, जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी एडवांस हो गया है, बट स्टिल जितनी हिट पहले की मूवी जाती थी अब इतनी मूवीज हिट नहीं जाती है, आपका क्या राय है उसमें? देखो, क्योंकि क्या था कि उस टाइम पे जो फिल्में बनती थी वो सिंगल स्क्रीन का, आप ऐसे नहीं, आज भी बहुत सी फिल्में हिट होती हैं, लेकिन क्या है कि आप हिट कह रही हैं जो बड़े पर्दे पे आती है, जो बिग स्क्रीन के, जो बड़े हीरोज़ की फिल्में, वो तो रेशो तो हमेशा वही रहा है कि मतलब हर फिल्म हिट नहीं होती, ज़्यादातर की फिल्में एवरेज होते हैं और कुछ तो चलती ही नहीं है, लेकिन तो पूरी दुनिया में वही होता है। मीन पिक्चर अगर हिट होती है तो एक आध पिक्चर जिस तरीके का आप हिट करिए, बाहुबली मतलब एक बनती है, आप वेस्ट में भी देख लीजिए एक बड़ी पिक्चर बनती है जैसे ट्रॉय या ग्लैडिएटर है या ब्रेव हार्ट है, वो बड़ी फिल्में बनती है और एक हिट होती है, लेकिन वेस्ट में भी मतलब सारी फिल्में थोड़ी हिट होती है, तो वो तो मतलब है ही मतलब नियम कि सब हिट नहीं होंगे, सब स्टार नहीं बनेंगे, सब सक्सेसफुल नहीं होंगे, मतलब 10 लोग कोशिश कर रहे तो एक बंदा या एक लड़की कामयाब होती है, तो वो तो है ही लाइफ में, मतलब उसका तो कुछ है ही नहीं। बाकी कितने फिल्में बन रही हैं और कितने ऑडियंसेस को अलग किस्म की कहानियां पेश की जा रही है, ये महत्व। अब पिक्चर चलती है, मतलब छोटी पिक्चर आती है स्क्रीन पे, तो आज पिछले ज़माने में क्या था, मतलब जब सिंगल स्क्रीन के ज़माने में आप देखते बड़ी स्क्रीन पे आइए 25 हफ्ते चलिए सबको मालूम है हिट है, आज भी आप नेटफ्लिक्स पे जाइए कहीं भी जाइए सुपर हिट पिक्चर है, लेकिन वो ऑडियंस है जो स्क्रीन जो मतलब हैंडसेट पे देख रही है, और उसके एडवर्टाइजिंग के थ्रू मालूम पड़ जाता है कि कितने करोड़ लोगों ने भी फिल्म देखी है हैंडसेट पे, तो वो अखबार में नहीं छपता है कि अरे ये सुपर हिट पिक्चर है ये, तो वो सिस्टम ही बदल गया है। लेकिन फिल्में अभी भी चल रही हैं, अभी भी हिट होती हैं। दोनों क्रिटिकल एक्लेम भी चाहिए हमें, हम चाहते हैं कि भाई जिन लोगों को मालूम है वो कमेंट करें कि आपने कैसा परफॉर्मेंस किया, क्या किया है आपने, कैसे किया है, और बॉक्स ऑफिस का तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब अगर पब्लिक आपको पसंद नहीं करेगी, आपकी पिक्चर देखेगी नहीं, तो आप कहाँ के एक्टर रहेंगे भाई, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और मैं शुक्रगुजार भी हूँ, अपना आभार व्यक्त करता हूँ पूरे पब्लिक को, हमारी ऑडियंस को जिन्होंने मेरी फिल्में देखी है, जिन्होंने मुझे इतना प्यार और मोहब्बत दिया इन सालों में, तो उनके बगैर तो मैं कहीं के नहीं होते हम, तो ऑडियंस का अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है, उसके साथ क्रिटिकल क्लेम भी ज़रूरी है, लेकिन अगर आप मुझे दोनों के बीच में डिसाइड करने के लिए कहें तो मैं आंख बंद करके कभी भी कहूँगा कि मुझे पब्लिक का जो सपोर्ट है सबसे महत्वपूर्ण मेरे लिए आर्टिस्ट के लिए वो होता है। क्रिटिकल क्लेम ठीक है, लेकिन क्रिटिकल क्लेम नहीं भी हो, लेकिन जिस दिन ऑडियंस मेरी पिक्चर नहीं देखेगी उस दिन मैं कहूँगा कि भैया आपका कार्यक्रम समाप्त हो गया, तो वो मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और मेरे लिए अक्लेम पर्सनली मेरे लिए सबसे खुशी की बात होती है जब आम कोई भी सड़क पे जा रहा है आम आदमी मुझे आके कहता है सर आपकी वो पिक्चर देखी मैंने, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा रोल किया आपने, ये अच्छा लगा वो अच्छा, सबसे बड़ा इनाम मेरे लिए वही है। सर, आपके आने वाली मूवी की बात करते हैं, उम्मीद किस तरह की फिल्म है, क्या रोल है आपका? उम्मीद एक बहुत हटके और वाकई बहुत हटके कहानी है,
ये 22 सितंबर को रिलीज होने वाली है उम्मीद। इनके डायरेक्टर हैं रजत मुखर्जी साहब, जिन्होंने बहुत ही मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट उन्होंने चुना है जो मेरे ख्याल से पूरे समस्त भारत में ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है जो मतलब जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है, मतलब जो कंपनीज जिन लोगों को फार्मास्यूटिकल कंपनीज वो होती है जो दवा बनाती है, जैसे आपका सर दर्द की गोली होती है या किसी भी चीज़ की दवा लेते हैं आप, वो बड़ी बड़ी कंपनीज वो दवा बनाते हैं और वो दवा पब्लिक में आने के पहले उनको टेस्ट करना पड़ता है कि ये क्या है, कैसे चलेगा, क्या नहीं होगा। तो वो लोग तो वो कभी कभी एक ज़माना था, अभी भी है, जो जानवर के ऊपर टेस्ट करते थे, लेकिन जानवर के ऊपर क्या टेस्ट होगा, वो कैसे चलेगा इंसान के ऊपर, वो तो वो ये लोग जो है वो गरीब देशों में जाते हैं और नाजायज़ अनएथिकली मतलब इलीगली और नाजायज़ तरीके से गरीब बच्चों पे ये टेस्टिंग करते हैं और कभी उनको बताते नहीं है कि इनका इसका असर क्या हो सकता है। कभी कभी बच्चों को उनका जो फोड़े निकल आते हैं या बच्चे अंधे हो जाते हैं और हज़ारों में मरते हैं। और ये इसलिए होता है कि क्योंकि जो मेडिकल कुछ लोग, मैं सारे मेडिकल कम्युनिटी के बारे में मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, कुछ लोग हैं जैसे वो जो इतने भ्रष्ट हैं, जो वो ये कंपनीज़ के साथ मिल के इन बच्चों को बगैर उनको सही जानकारी, उनके माता पिता को बगैर सही जानकारी देने के नहीं देते हैं और इन बच्चों को ले कर टेस्टिंग करवाते हैं। तो उम्मीद की सब्जेक्ट ये है कि ये जो नाजायज़ अनएथिकल जिसे बोलते हैं, ये टेस्टिंग हिंदुस्तान में बंद होनी चाहिए। और हमारे मतलब विनती करता हूँ और मेरी इच्छा है और मेरी तमन्ना है और कि भारत सरकार ये फिल्म देखे और इसका और इसकी और इसका जो अवेयरनेस है उस पूरे भारत में ये मतलब ये अवेयर होना चाहिए, माँ बाप मतलब पेरेंट्स जो हैं कि हम अपने बच्चों को किस चीज़ के लिए टेस्टिंग करवा रहे हैं, और ताकि ये कंपनीज जो हैं वो भी इसका फ़ायदा नहीं उठाएं कि लोग अनपढ़ हैं या गरीब हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके बच्चे को मार डालें। तो ये है उम्मीद और हमारी उम्मीद है कि आप सब देखेंगे उम्मीद को और उसके बारे में सोचेंगे, क्योंकि ये ऐसी पिक्चर है जो हम पूरे हिंदुस्तान में और जितने भी लोग हैं उनकी सोच को हम जगाना चाहते हैं। और किस तरीके के किरदार में आप जगाने वाले हैं? मेरा किरदार तो है ऐसा क्योंकि मैंने जब मुझे बताया गया तो मैं एक्चुअली जो बड़ी कंपनीज है उनका लॉयर हूँ, तो मैंने ख़ास करके कहा कि मैं ये रोल करूँगा ताकि दुनिया को मालूम पड़े कि उनके लॉयर्स जो हैं वो कितने होशियार हैं, उनके पीछे कितने पैसों की ताकत है और वो किस तरीके से घुमाते हैं बात को, कैसे फहराते हैं और कभी भी मतलब कभी भी वो अपना जो उनका गिल्ट है जो कभी नहीं, हर चीज़ में टेक्निकलिटी में वो कोर्ट में पूरा घुमा के हमेशा जो विक्टिम है जिन जो शिकार हो गए हैं इस प्रैक्टिस के, उन पे इनको कभी नहीं होता, बड़े कंपनीज को कोई नहीं छू सकता है क्योंकि उनके लॉयर्स बहुत होशियार हैं। और एक में सही भी हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हम ये टेस्टिंग नहीं करेंगे तो मतलब जितनी भी बीमारियां हैं दुनिया में उसका इलाज कैसे निकला हुआ है। मानता हूँ उस पॉइंट तक कि हाँ अगर कोई भी बीमारी की इलाज आपकी दवा चाहिए तो टेस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन नाजायज़ टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। इन लोगों को ट्रांसपेरेंसी से पूरा समझा के फिर आप टेस्टिंग करेंगे तो अलग बात है। हाँ, मेरे टेलीविज़न के कुछ प्रोजेक्ट जो मैं अभी आपको बता नहीं सकता हूँ, 2-3 एक फिल्म भी है जो मैं अभी फाइनलाइज़ करने जा रहा हूँ, और तो ऐसे 4-5 प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में हैं, जो मतलब मेरे ख्याल से सब GST के लिए रुके थे तो अब वो हो गया, तो थोड़ा सा मतलब मोमेंटम भी बढ़ रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, तो ऐसे है मेरे पास मतलब जो मैं बस अभी 15-20 दिन में मेरे ख्याल से वो फाइनल हो जाएंगे। Okay.
थैंक यू सो मच सर एंड ऑल द बेस्ट फॉर बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच थैंक यू फॉर कमिंग